वेलकम बैक एंड हम लोग आ चुके एक और एपिसोड के साथ। तो दिवाली तो तुम लोगों का बहुत अच्छा गया होगा। दिवाली के टाइम पे मैं वीडियोस नहीं डाला था इसलिए कि मैं भी छुट्टी ले रहा था, तो तुम लोग भी छुट्टी एंजॉय कर सकते हो इसीलिए। तो अभी हम लोग क्या करेंगे कि अभी गेम में स्टार्ट करेंगे और जहाँ से हम लोगों ने कंटिन्यू मतलब लास्ट तक छोड़ा था उसे वहाँ से कंटिन्यू करेंगे में जाएंगे। और दिवाली सब खत्म हो गया है तो भाई चलो अभी गेम स्टार्ट करते हैं और इन्जॉय करते हैं गेम को। और हम लोग कभी क्या है कि होम में एंड डायरेक्ट हम लोग जाएंगे अपने डियाने के पास, तो डियाने से हम लोग अपना स्टोरी को स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे देखते हैं डियाने हाउस द तो वाओ एंड द गार्डन लुक्स ग्रेट। तो पिछले एपिसोड में हम लोगों ने गार्डन में बहुत सारा काम किया था और देख सकते हो गार्डन बहुत अच्छा हो चुका है। थोड़ा ज़्यादा कॉइन भी मिल जाएगा हम लोगों को। ओके बेसिकली हम लोगों को कॉइन मिलेगा और क्या मतलब वो पैसा है यार डॉलर। तो आई कैन बिलीव एवरीथिंग इज ग्रोइंग बैक टू सो क्विकली। तो मुझे यकीन नहीं हो रहा कि इतना जल्दी सब कुछ फिर से उग गया जल्दी से। डियाने इज मिसिंग अगेन। तो डियाने फिर से कहाँ चली गई देखते हैं अगर अंदर हुआ घर के। आई वॉन्डर देयर वायर इज विथ हाइडिंग। तो मुझे देखना है वो कहाँ पे छुपी हुई है। ओके तो क्या छुपी हुई है भाई देख रहे हो इतना ज़्यादा गार्डन ग्रो हो गया है। ओके तो इसका गार्डन अभी क्लीनिंग में नहीं क्लिक करेंगे नहीं तो यार इवेंट पार हो जाए इवेंट चला जाएगा। इट्स लुक लॉक्ड। तो दरवाज़ा लॉक है। ओके डियाने नेवर लॉक्स दिस डोर ड्यूरिंग द डे। तो डियाने तो एक डोर कभी बंद ही नहीं करती, आज शायद बंद करके रखी है देखते हैं अंदर। आई शुड गो ट्राई टू द फ्रंट डोर। तो मुझे शायद आगे से जाना चाहिए। ओ तो आगे वाला डोर खुला हुआ है। ओके व्हाट सी हैज गॉटन अप टू। ओ या देखते हैं आगे क्या साउंड किचन से कुछ साउंड आ रहा है। ओके चलो आगे देखते हैं। दिस इज जस्ट आई वांट नीड। तो यहाँ पे डियाने कुछ चीज़ें वगैरह के बारे में बात कर रहा है जो उसको चाहिए। चलो हम लोग किचन में देखते हैं। ओके तो गार्डन पे ध्यान देते हैं। तो यहाँ पे लिखा है गेट स्टार्टेड ऑन द गार्डन। तो हम लोग फिर से गार्डन चलते हैं और देखते हैं गार्डन में क्या है। ओके तो हम लोग अपना गार्डन में देखते हैं चूहा वगैरह मारते हैं और क्या। तो गार्डन फिर से काम करते हैं और उसके बाद आ जाती है डियाने। ओके तो डियाने से बात करते हैं। डियाने आई एम सॉरी आई वाज आउट ऑफ देयर द क्रिएटिव समथिंग इन द अर्जेंट कम देन आई डोंट लुक केयर ऑफ। तो सब थी उसको कुछ जल्दी आ गया था। डियाने यहाँ पे बोल रहे कि उसको कुछ अर्जेंट काम आ गया था इसी वजह से वो थोड़ा बिजी था। ठीक है ओके एंड हम लोग यहाँ पे काम कर चुके हैं डियाने अपना गार्डन का। कोई बात नहीं तुम अपना काम करते रहो। ओके वर्किंग या ओके वट गॉट यू द टंग टायर्ड ऑफ द ऑल्स ऑफ सडन। तो तुम्हें क्या हो गया। ओके नथिंग आई वॉज जस्ट क्या वेल द गार्डन इज रियली लुक ग्रेट। तो गार्डन भी देखने में सही लग रहा है। आई थिंक इट्स एवर बेटर इवन बेटर देन इट वॉज बिफोर इवन ग्रोइंग फेस। ओके तो ये पहले से तो यहाँ पे डियाने बोल रही है कि ये पहले से बहुत अच्छा हो चुका है गार्डन। पहले जितना फल सब्जी उगता था उससे ज़्यादा उग रहा है। अच्छी बात है जस्ट लुक एट दस ब्यूटीज। तो देखो यार मतलब वो दिखा रही है अपने खीरे। ओके तो खीरा वगैरह को किस तरह से भाई कैसे दिखा रही है यार डियाने कम से कम थोड़ा तो होते यहाँ पे का खीरा उठ चुका है। ओके उठते वेजिटेबल लाइक दिस आई माइट हैव टू गिव यू एयर राइस। आई सुल गो तो यहाँ पे बोल रहा है मुझे शायद जाना चाहिए। ओके डियाने तो यहाँ पे चला जाता है। ओके तो बेसिकली हम लोग वहाँ से चले आते हैं एंड आई कैंट बिलीव आई गॉट द वन ऑफ द फॉट ऑफ डियाने। तो बेसिकली हो सकता है यार दैट वाज इमर्सिंग सोई में तो हो सकता है राइट। कोई बात नहीं अगर वो ऐसे दिखाएगी तो होगा ही ना। तो ठीक है हम लोग सो जाते हैं और फिर नेक्स्ट डे चलते नेक्स्ट डे डियाने के पास चलते हैं। ओके कौन आया देखे मैं आई स्पीक विथ यू फॉर अ सेकेंड। ओके तो डियाने अपने घर आई है। ओके और यहाँ पे दुबे भी बोलने आई है दिवे। ओके गुड मॉर्निंग सूडी व्हाट्सअप डियाने। ओ डियाने फ़ोन किया था। ओके तो डियाने दुबे को फोन कॉल किया था पता नहीं किया था उन्होंने गार्डन। तो गार्डन में जो काम वाम किया था उसके बारे में इसको थोड़ा तारीफ वारीफ किया है राइव का। अच्छी बात है यार दुबे से तारीफ तो करना चाहिए। बाद में हम लोग दुबे के स्टोरी में जाएंगे ना या इट्स दिटल न्यू बिजनेस। तो मुझे पता भी नहीं था वो अपना न्यू बिजनेस भी स्टार्ट किया है। यहाँ पे दुबे आस कर रही है बिराई से। तो सी डिट से सी से समथिंग एल्स। तो उसने कुछ कहा है आपको एक्चुअली बोलना तो चाहिए ना दुबे को कि हाँ। तो सी वॉन्टेड टू टेल मी नॉट टू वरी अबाउट योर लिटिल इंसिडेंट। ओके तो बता दिया है। ओके एक्चुअली बता दिया है Did something happen? ना या किंडा। ओके तो जो एक्सीडेंट हुआ था उसके बारे में बता दिया है दुबे को बट पूरा नहीं बताया थोड़ा सा बताया। तो रायु यहाँ पे थोड़ा सा इनोसेंट सा फेस करके खड़ा है और क्या।
सस्पेंस तो यहाँ पे बोला कि सस्पेंस पे मत रखो, मुझे बताओ क्या हुआ है। तो यहाँ पे राय तो बोल ही नहीं रहता, आई रादर नॉट टेल का वर्ड इज जस्ट ऑल राइट। तो यहाँ पे राय बोला ठीक कोई बात नहीं, मैं इसे सब सही है चल जाएगा, ओके ऑफ कोर्स इज ऑल राइट छुट्टी। तो ठीक है चलो एक दूसरे को थैंक यू ब्ला ब्ला एक हग करके उसके बाद चलते हैं। ओके तो हम लोग फिर से जाएंगे डियाने के पास क्योंकि डियाने की स्टोरी अभी भी बाकी है। ओके राय तो हाई डियाने, ओके परफेक्ट टाइमिंग, डिड आई डू टेल यू माई न्यू क्लाइंट का वर्ड। तो इसका न्यू क्लाइंट कोई नहीं है। ओके तो दिया ने यहाँ पे बोल रही है रायु को कि मेरे तुम दुबे ने बताया कि कोई न्यू क्लाइंट के बारे में। या सी सेड से वर्द लर्नर इन द बिग वन टू बेटर बिलीव इट। ओके आई गॉट टू गो टू एन वर्क ऑन द बिफोर यू कैन मेक द डिलीवरी। तो डिलीवरी करने के लिए लेट होगा, इससे पहले उसको निकाल चला जाना चाहिए। यहाँ पर आई वॉन्ट रियली हैव टाइम टू टेंड टू गार्डन द गार्डन। तो ये गार्डन के लिए इसके पास टाइम नहीं है। तो यहाँ पर आयु को देख के जा रहा है ओके गार्डनिंग काम। ओके थिंक यू कैन हैंडल इट बाई योर सेल्फ। तो तुम यहाँ पर अपना काम संभाल सकते हो आयु अकेले। आई विल गिव यू एट बम्प इन द पे। तो बहुत ज़्यादा पैसा भी देने वाली है, पे करने वाली है, तो बहुत ज़्यादा पैसा भी देने वाली है। वहीं पे बोल रही है राय वो या दैट्स फाइन आई विल हैंडल या व्हाट्स द मैटर एंड सम। तो क्या कुछ हुआ है क्या यहाँ पे पूछ रही है दिया ने। तो यू स्टिल थिंकिंग अबाउट द अदर डे। तो तुम फिर से कल के बारे में सोच रहे हो क्या। या आई एम रियली सॉरी। तो यहाँ पे राय फिर से सॉरी बोल रहा है दैट्स व्हाट्स फाइन मतलब थोड़ा सा और। तो फिर से सोच रही है ओ डोंट बी सिली हैंडसम। तो बस कोई बात नहीं उसके बारे में मत सोचो यहाँ पे बोल रहे हैं ओके यू आर द यंग मैन एंड आई नो यू कैंट ऑलवेज कंट्रोल दस थिंग्स। तो मुझे पता है तुम हमेशा सब कुछ कंट्रोल नहीं कर सकते तो इसके बारे में टेंशन मत लो। ओके डोंट गिव यू अनदर थॉट ओके एंड ऑल राइट विल द बेस्ट इज गेट स्टार्टेड लॉट्स ऑफ वर्क टू डू आई विल बी इन द सेड गेटिंग एवरीथिंग रेडी इफ यू नीड मी। ओके तो अगर तुम्हें चाहिए तो मुझे अगर तुम्हें मुझे चाहिए, मेरा हेल्प चाहिए तो मुझे उस सेड में वाके मिलना, मैं तुम्हें वही मिलूँगा। इज द काव इज देयर ना। तो क्या काव वहाँ पे है। तो यहाँ पे राय पूछ रहा है कि काव आ चुका है उस सेड के अंदर। कैन आई पेट हर। तो क्या उसको देख सकते हैं आई मीन हाथ लगा सकता है ऐसा कुछ। ओ राइट द काओ ओ नो आई विल गो विजिट द काओ लेटर टू नाइट। तो मैं रात को जाऊंगा विजिट करने काओ को। तो यहाँ पे दिया ने बोल रही है ओके एक्चुअली इसके पास काओ है ही नहीं, मुझे मैंने भी नहीं देखा। सो व्हाट आर यू डूइंग इन द सेड नाउ। तो तुम सेड में क्या करोगी अभी। एंड ओ क्लीनिंग। तो यहाँ पे वो बोल रही है हाँ क्लीनिंग करेगी वो। या आई हैव टू गेट ऑल द इक्विपमेंट पैकेजिंग रेडी। तो पैकेजिंग वगैरह को रेडी करने के लिए वो सेड में जाएगी अंदर। आई सी डू यू नीड एनी हेल्प। तो यहाँ पे रायु ऑफर कर रहा है ओके को तुमको कुछ हेल्प चाहिए। तो नो थैंक्स एंड सम यू जस्ट फोकस ऑन द गार्डनिंग फॉर नाउ एंड आई विल एक्चुअली दे आर इज समथिंग यू कैन डू फॉर मी। तो यहाँ पे कुछ है जो तुम मेरे लिए कर सकते हो। श्योर एनी थिंग आई लेफ्ट वन ऑफ माई टूल्स इन द किचन काउंटर। तो उसका कुछ टूल्स वगैरह जो किचन में है ओके कुल यू रन एंड फिच डाउट में तो जाके लेके आ सकते हो। कॉर्स आई विल बी राइट बैक। तो हम लोग जल्दी से जाते हैं किचन में और चीज़ टू लेके आते हैं। वही तो पंप जैसा कुछ है ओके ब्रेस्ट पंप ओके तो इसको जाके दे देते हैं ओके हे गार्डन इज रियली लुकिंग लव। तो हम लोगों ने उसका कुछ लिया के आया था ओके अभी हम सोने डिवर्सनली टूल ओके तो हम लोग दे देते उसको। एंड इज दैट थिंग इज पेपर ओ इट्स अ पंप एक ब्रेस्ट फिल्म मैंने बात था दूध निकालने वाला पंप है ओके एंड एक काम का है एंड ये जिस नॉट है तो काव। तो ये काव को दर्द नहीं होता है यहाँ पे रायु पूछ रहा है। तो वही काव का कैसे दर्द होगा यार तो समझ नहीं रहा है रायु। एंड सम इट्स फील रियली गुड यू नो फॉर द काव। कैन आई ट्राई मेकिंग द काव सम टाइम। तो भाई रायु पूछ रहा है कि मैं भी दूध निकाल सकता हूँ कभी कभी। हाँ आई डोंट थिंक सो दैट्स अ गुड आइडिया। तो यहाँ पे वो बोले नहीं नहीं एक अच्छा आइडिया नहीं होगा। फॉर नाउ यू जस्ट वर्क ऑन द गार्डन ओके। तो सर अभी के लिए तुम सब गार्डन में वर्क करो दूध बाद में निकल लेना ओके इफ़ यू नीड मी आई विल बी इन देयर। तो ठीक है अगर तुमको चाहिए डिया ने यहाँ पर बोले अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो मैं यहीं पर हूँ। या गॉट गॉट थैंक्स। तो अभी के लिए डिया ने अंदर जा चुकी है और हम लोगों का काम है गार्डनिंग करना ओके। हम लोग क्या देख सकते हैं क्या दिया ने करेगा जस्ट सेकेंड ओके ओके देयर ओके
नीड एनी हेल्प देयर? नहीं, उसको नहीं है चाहिए हेल्प, ठीक है जा जाके काम कर अपना क्लीनिंग। तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे, अपना क्लीनिंग करते हैं गार्डन वाला काम और रात को मिलते हैं। ओके एक काम करते हैं, रात को हम देखते हैं क्या उसके पास सच में कोई काव है। चलो आज तो है, फैसला हो ही जाएगा, देख ही लेंगे क्या है कि नहीं। कैन इज पब्लिकार्डन? ओके डिया ने अभी सो रही है, तो हम लोगों को क्या करना चाहिए? तो शायद मुझे कुछ दिन वेट करना होगा, उसके बाद देखना होगा। तो हम लोग 2-3 दिन स्किप कर देते हैं। ओके एंड तो 2-3 दिन स्किप करने के बाद फिर हम लोग फिर से आते हैं। ओके एंड कहाँ आते हैं? डियाने के घर। तो यहाँ पे देखते हैं डियाने बहुत ज़्यादा सैड है। हाउ आर यू टूडे? तो भाई क्या हुआ डियाने को? व्हाट आर यू आर सो एक्साइटेड, मतलब टायर्ड दिख रहा है। ओके ओ या आई एम ऑल राइट एंड आई जस्ट हैवन गॉटन माई स्लीप थर्सडे फर्स्ट डे। ओके तो इसको जस्ट नींद नहीं मिला है कितना दिन, कुछ दिन। दिस एयरलाइन डिलीवरी इज किलिंग मी। तो डिलीवरी बहुत ज़्यादा हार्ड हो चुका है उसके लिए। That's not good and I am sure you I can help you milk the cow. तो तुम अगर चाहते हो तो मैं हेल्प कर सकता हूँ मिल्क निकालने के लिए, मतलब दूध निकालने के लिए काव का। आई रियली वुड नॉट माइंड। तो हाँ हाँ मैं माइंड भी नहीं करने वाला। ओ आई बेट यू वुड नॉट। ओके हाँ हाँ तो यहाँ पे सॉरी आई एम लिटिल लॉफी राइट नाउ। तो थोड़ा सा स्लीपी है। ओके एंड हिल रही है बेसिकली, उसको वैसे ही बोलते हैं। और दे आर नो नीड स्टूड। तो आई हैव फिनिश्ड ऑर्डर लास्ट नाइट। तो मैंने लास्ट नाइट वाला ऑर्डर भी कर दिया है, डियाने यहाँ पे बोल रही है। वेल दैट्स गुड एंड वाल यू माइंड गोइंग टू अनदर डिलीवरी रन फॉर मी? तो यहाँ पे डियाने बोल रही है क्या तुम जाओगे एक और डिलीवरी करने के लिए अगर तुम माइंड ना करो तो? तो यस योर, तो आई लव टू डिलीवर इट फॉर यू। तो ठीक है मैं तुम्हारे लिए डिलीवर करने के लिए बहुत अच्छा फील करूँगा, मतलब अच्छा लगता है उसको डिलीवरी करने में। ओके तो आई लव टू डिलीवर इट फॉर यू। तो हाँ मुझे पसंद है तुम्हारे लिए डिलीवरी करना। ओ यू आर फुल लाइफ सेवर एंड तो बहुत कुछ। ओके ओके यू वॉन्ट हैव टू गो फॉर इट्स नेक्स्ट डोर। तो देखते हैं नेक्स्ट डोर कहाँ पे है। आई थिंक एनी ने लाइज नेक्स्ट डोर एंड सी गर्ल फ्रॉम माई क्लास एंड दैट मीन बी लूसी डॉटर देन। ओ या मे बी। ओके तो एनी के पास जाना होगा उसके घर पे देने के लिए। ओके रिया ने वेट व्हाट द डिलीवरी? ओके तो डिलीवरी अंदर ही होगा शायद इस बॉक्स के अंदर। ओके मतलब इस सेट के अंदर। तो जल्दी से सेट के अंदर चलते हैं और देखते हैं यहाँ पे है क्या। वन गेट चार्ट तो हम लोग ले लेते हैं जल्दी। और कोई काव तो है भी नहीं यार, देख सकते हो कोई काव है नहीं बेसिकली। ओके तो हम लोग जल्दी से इस डिलीवरी को कंप्लीट करते हैं एनी के घर। और एनी के घर कहाँ से हो जाएंगे हम लोग? यही वाला है ना, एक मिल गया। तो आज के लिए बस इतना ही। एनी के घर हम लोग डिलीवरी कर देंगे। और यहाँ पे देख पा रहे शायद रिचर्ड एनी का कोई होगा क्या फादर वगैरह, तो क्या जो भी है देखा जाएगा नेक्स्ट वीडियो में। और अभी के लिए सब्सक्राइब कर लो और देखते हैं नेक्स्ट एपिसोड में क्या होता है आगे। तो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।